हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को दिखाऊंगा सोनी ब्राविया जो 22 इंच का मॉडल है। उसमें सर्विस मेनू कैसे ओपन किया जाता है वो दिखाऊंगा। ये सोनी का ब्राविया मॉडल है, देखिए इसमें ब्राविया मॉडल है। ये बेसिकली इंटरनेट टीवी, इसमें इंटरनेट के थ्रू चलेगा। देखिए यही पर ये इंटरनेट वीडियो, ठीक है। और इसमें देखिए स्काई, वीडियो सर्च, म्यूजिक सर्च, इंटरनेट बॉक्स, ये सारे चलेगा, ठीक है। ये 22 इंच का मॉडल है और इसका जो रिमोट है इस तरह का कुछ रिमोट में काम होता है। तो इस मॉडल में सर्विस मोड कैसे ओपन किया जाता है वो दिखाएंगे आप लोगों को, तो देखते रहिए हमारा वीडियो को लास्ट तक। चलिए फ्रेंड्स, इसको देखा जाए। सबसे पहले इसका जो रिमोट को एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ बटन्स हैं। जो पहले एक ऑप्शन बटन देख लीजिए, यही पर है एक रिटर्न, यही पर होगा आपका रिटर्न का बटन, ठीक है। यही पर देखिए यही पर जो बटन दिख रहा है, एंटर का बटन है, ठीक है। और यही पर देखिए कुछ नंबर का बटन है, ठीक है। तो इसका सर्विस मेनू ओपन करते हैं। तो सर्विस मेनू ओपन करने के लिए पहले इसका सेट को ऑफ करते हैं और प्रेस करेंगे इन्फो 5 वॉल्यूम प्लस एंड लास्ट में पावर, ठीक है। तो ये बहुत ही फास्ट प्रेस करना होगा आपको। चलो प्रेस करते हैं 4 5 वॉल्यूम प्लस पावर, ठीक है। देखिए हमारा जो सर्विस मेनू है वो आ गया है, देखिए जो सर्विस मेनू आ गया है। बेसिकली इसमें तीन तरह का सर्विस मेनू होते हैं। पहला होता है डिजिटल सर्विस, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसका जो यहीं पर ऑप्शन बटन दिया है, इसको प्रेस करेंगे हम। ये हो गया चेसिस सर्विस, और एक सर्विस है जो है कि VPC सर्विस, ठीक है। ये तीन तरह का सर्विस होता है, ठीक है। तो चलिए इसका डिजिटल सर्विस को एक बार देख लेते हैं। पहले इसमें जो डिजिटल सर्विस है, इसमें देखिए ये जो पहले वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं 001 OP लिखा है, तो ये बेसिकली पेज होता है, ठीक है। ये जो सर्विस मेनू का पेज होता है उस पेज के नंबर होता है, ठीक है। नंबर और नेम जो आप बोल सकते हैं वो होता है पेज, ठीक है। और इसके बाद के उसका पेज में जो ऑप्शन होता है वो इसके ही पर आता है दूसरा नंबर में, ठीक है। तो ये जो पेज है, पहले वाला पेज ऊपर का जो 001 लिखा है, उसको चेंज करने के लिए ये पर दिया है 2 और 5, जो 2 और 5 जो नंबर है इसी से वो चेंज होगा। देखिए हमने 2 प्रेस किए और 2 हो गए। और एक बार प्रेस करेंगे 3 आ जाएगा, और प्रेस करेंगे तो जैसे जैसे हमने 2 प्रेस करेंगे पेज चेंज होता जाएगा, ठीक है। और उस पेज में जो ऑप्शन होता है वो नीचे आएगा आपका, ठीक है। हम पहले वाला पेज में अगर जाएंगे, प्रीवियस पेज में, तो 5 प्रेस करना होगा, ठीक है। ठीक है, आ रहा है, ठीक है। और उस दूसरा जो पेज के अंदर आपको जाना है, अंदर जो पैरामीटर है, देखिए जो इस पेज में जो ऑप्शन होता है उसको चेंज करने के लिए आपको 1 और 4 ये दोनों में चेंज करना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर इसमें एक ही ऑप्शन है इस पेज में तो वो दूसरा पेज में चला जाएगा अगर आप चेंज करेंगे तो। चलिए देखते हैं हम एक प्रेस करके, एक देखिए 2 नंबर पेज में चला गया, ठीक है। इस पेज में देखते हैं मॉडल का पेज है, इसमें कितने ऑप्शन है, देखिए एक बार एक ऑप्शन आया है और हम
और फिर एक बार प्रेस करेंगे, मॉडल नेम आया और सीरियल आया, तो उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए 3 नंबर पेज में चला गया। ठीक है ठीक है, तो हम इसको 3 नंबर पेज में चला गया। इस 3 नंबर पेज में देखिए 0 में है टेस्ट पैटर्न, और प्रेस करेंगे मॉनिटर मोड, और एक बार प्रेस करेंगे तो फैक्ट्री सेटिंग्स आएगा। ठीक है, और हम अगर वापस चलना चाहते तो 4 प्रेस करेंगे तो पीवीएस ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, और देखिए हम इसके मॉनिटर मोड में आ गए, और मॉनिटर मोड जो है उसको ओपन करने के लिए यहीं पर 0 जो बटन है उसको प्रेस करना होता है। ठीक है, जैसे हम प्रेस करेंगे मॉनिटर मोड ओपन हो जाएगा। देखिए यहीं पर 1 2 3 4 करके सारा ऑप्शन है, तो अभी जो यहीं पर नंबर दिया है 1 2 3 4 5, उसके हिसाब से आपको यहीं पर बटन को प्रेस करना होता है। ठीक है, हमें अगर मान लीजिए ये डिजिटल डिटेल्स मॉनिटर देखेंगे तो हम 3 प्रेस करेंगे, और जो 3 है उसको प्रेस करेंगे, सॉरी हाँ, तो 3 नंबर जो हमारा सिलेक्ट हो गया, और अभी इसमें एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है 3 नंबर में डिजिटल डिटेल्स मॉनिटर खुल गया। उसके अंदर भी 2 ऑप्शन है, 1 और 2, तो हम अगर 1 नंबर को ये देखना चाहते हैं तो आप फिर एंटर करेंगे, बोल रहे हैं प्रेस एंटर, और एक बार एंटर करेंगे तो हमारा डिटेल्स दिखाएगा। ठीक है, तो हम बैक करने के लिए रिटर्न जाएंगे यहीं पर। ठीक है, तो इस तरह का सर्विस मोड को चेंज किया जाता है। फ्रेंड्स, इस सर्विस मेनू में ज़्यादा कुछ नहीं है चेंज करने के लिए, हमारा टेक्नीशियन हम टेक्नीशियंस के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, सिर्फ एक काम के लिए आप सर्विस मेनू ओपन कर सकते हैं, वो होगा फैक्ट्री रीसेट। अगर रीसेट करने चाहते हैं तो आप इसका सर्विस मेनू में जा सकते हैं, तो हम आप लोगों को दिखा देंगे रीसेट कैसे किया जाता है। तो और बाकी सारे ऑप्शन को हम एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। डिजिटल सर्विस देख लिया, इसमें 8 पेज हैं। ठीक है, चलिए हम सब पेज को, आप ट्यूनर के लिए ये पेज है, ये चिपसेट के लिए, रिकॉर्डिंग मोड, VCOM, ठीक है, और एक पेज है वाईफाई। ठीक है, तो वाईफाई डोंगल लगाने के बाद आपको इसे आकर सेट करना होता है, उसका मैक आईडी और सब कुछ यहीं पर सेट करना होता है, तब जाके आपका जो डोंगल होता है वो सपोर्ट करता है, नहीं तो नहीं सपोर्ट करेगा। तो चलिए दूसरा जो हमारा सर्विस है चैसिस सर्विस, उसको को देख लेते हैं, एक ही पैटर्न है इसके। देखिए पहले की तरह इसके ऊपर में पेज, और उसका पेज के अंदर जो ऑप्शन होते हैं दूसरे में आता है। ठीक है, तो हम इसको पेज को चेंज करेंगे। देखिए ट्यूनिंग, डीडे मोड, सैटेलाइट, HDMI, इस तरह का ऑप्शन आता है। ठीक है, चैसिस सर्विस में। और जो देखिए VPC सर्विस और एक है, यही बार है VPC सर्विस। ठीक है, उसके अंदर देखिए डाटा कॉपी, ब्लू व्यू ट्रांस, उसके अंदर हम अगर इसका पेज चेंज करेंगे, देखिए डाटा बैकअप, VCOM, ठीक है, मेजर, इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन होता है मेजर के अंदर। देखिए हम चेंज करेंगे, अभी पेज से नहीं चेंज करना, पेज के अंदर का जो ऑप्शन है वो चेंज करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक प्रेस करेंगे, देखिए 1 नंबर से चेंज हो रहा है, यही पर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, सिग्नल मॉनिटर सारा ऑप्शन चेंज हो रहा है। ठीक है,
तो हम ये जो पैरामीटर है इसको हम चेंज करने के लिए एक बार 3 और 6 काम आएगा। 3 प्रेस करेंगे तो प्लस होगा और 6 प्रेस करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस होगा। ठीक है, इस तरह, तो इस तरह इसका सर्विस मेनू ओपन किया जाता है, सर्विस मेनू का सारा ऑप्शन। तो लास्ट में आप लोगों को जो दिखाएंगे उसका जो फैक्ट्री रीसेट वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके लिए आपका डिजिटल सर्विस में जाना है, तो डिजिटल सर्विस है उसका पेज में जाइए, मॉडल डिजिटल सर्विस में, शायद यही पर होता है। हम मोटर मोड ये दोनों में है, फैक्ट्री सेटिंग। ठीक है, यहीं पर आएंगे और इसमें 0 प्रेस करेंगे। 0 प्रेस करने से उसके अंदर का जो होता है ये शिपमेंट सेटिंग है, बूट काउंटर और बूट काउंटर रिसेट, 3 ऑप्शन है इसमें। देखिए जो शिपमेंट सेटिंग्स है यही से आपका फैक्ट्री सेट रिसेट होगा सेट, और जो बूट काउंटर है वो आपको बताएगा ये सेट कितने बार सेट ऑफ हुआ है और सेट ऑन हुआ है। ठीक है, ऑफ करके कितने बार ऑन किया है आपने वो काउंट करता है बूट काउंटर में। ठीक है, और उस काउंटर को अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो यहीं पर आपका रीसेट होगा। तो हम पहले शिपमेंट सेटिंग से जाते हैं। देखिए यहीं पर जाने के लिए 1 सिलेक्ट हुआ है, इसको हम इंटरफेस करेंगे और एक बार दो बार इंटरफेस करेंगे, शिपमेंट सेटिंग इज डन। ठीक है, हमारा जो फैक्ट्री सेटिंग्स है हो गया है। ठीक है, और हमने दूसरा ऑप्शन को दिखा देता हूँ आपको, बूट काउंटर। उसके लिए हमको 2 प्रेस करना होगा, सॉरी पहले हमको इसको ऐसे बैक करना होता है, इसके लिए रिटर्न करना होगा, हो गया। यहीं पर 2 प्रेस करना होगा, 2 प्रेस किया और यहीं पर इसे इंटर कर देना हो, और एक बार देखिए इतने बार सेट ऑन हुआ है। ठीक है, तो ये बूट काउंटर है। ठीक है, जितने बार ऑन होगा यही पर काउंट होगा। ठीक है, इसी नंबर से आपको पता चलेगा सेट कितने बार ऑन हुआ है। ठीक है, तो हम इसको रिटर्न करते हैं, उसके लिए अभी हम सर्विस मेनू को क्लोज कर देंगे। तो उसके लिए इसका जो पावर बटन है उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, और जो हमारा जो फैक्ट्री सेटिंग्स है उसको एक करने के लिए, सेव करने के लिए इसका पावर जो है वो ऑफ करना होता है, ऑफ कर दिया, फिर सेट को ऑन करना होता है। देखिए ऑन कर दिया और हमने इसका पावर ऑन कर दिया। यही बार आपको थोड़ा सिलेक्ट कर लेना है सारा ऑप्शन, यही बार इंग्लिश होता है आपका हिसाब से आप सेट कर लीजिए। हम इंग्लिश को सेट करेंगे और कंट्री हम इंडिया सेट करेंगे, कंट्री को सॉरी भूल हो गया, इसलिए हम बैक करेंगे और इंडिया सेट करेंगे। तो इंडिया, और आपको पासवर्ड देना है 000, नहीं चलेगा आप 1234 दीजिए, 1234, 1234 हो गया। इसके साथ आपको इसे होम करना होता है। ठीक है, होम तो है, आप इसको प्रेस कीजिए
और टेबल में हुआ तो टेबल स्टैंड करेंगे, टेबल टॉप करेंगे, हाँ नहीं तो वॉल माउंट करेंगे, हम टेबल टॉप करेंगे। और ये ऑटो ट्यूनिंग चाह रहे हैं तो हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है ना। अभी इसका डेट पूछ रहा है, डेट एंड टाइम, तो हम इसको स्किप करेंगे। स्किप करने के लिए एक इसको प्रेस करेंगे और डिस्प्ले दिस मेनू नेक्स्ट टाइम हम इसको नो करेंगे, नो करेंगे और यही बार फिर हम इसको एंटर करेंगे। तो हमारा जो पूरा सेटिंग्स है, पूरा टीवी है, कंप्लीट हो गया है फैक्ट्री सेट, पूरा कंप्लीट हो गया है।